एलविज भाई तो अभी वीडियो में लगे हुए हैं, वो अभी आ नहीं पा रहे, मतलब पर भाई ने कहा कि भाई तुम लोग करो, तो भाई हम लोगों का काम फिर से चालू हो चुका है, फिर से सैटरडे को। आपको पता है न्यू रेलवे रोड डॉक्टर लाल के बिल्कुल सामने, भाई ये थोड़ा अभी हमारा बोर्ड उड़ रहा है, इसको भाई सही कराएंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कराएंगे। तो भाई जैसे कि तुमको पता है एलविज यादव फाउंडेशन मात्र 5 रुपये हम खाना दे रहे हैं भाई लोगों को, सब लोगों को। तो भाई अब ये 1 महीने से ऑलमोस्ट चल रहा है, बहुत बड़े चल रहा है, और अभी आज हमने बनवाया है राजमा, वहाँ चावल जैसे हमारा हर बार रहता है, और भाई सब लोग बढ़िया खा रहे हैं, और भाई मतलब 5 रुपये हम खाना दे रहे हैं। तो भाई जिसको भी डोनेट करना हो, कुछ भी करना हो, तो भाई ये रहा एलिशादा फाउंडेशन, और ये रहा हमारी सारी डिटेल्स एंड कोड, अगर आपको करना है डोनेट तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई ये काम ऐसे चलता रहेगा, अभी हमारे पास आज हमारा टारगेट है 250 प्लस लोगों को खाना खिलाने का, आज का हमारा टारगेट है 250 प्लस लोगों को खाना खिलाने का। 300 लोग हैं अप्रॉक्स, और भाई सब लोग आ रहे हैं, 5 रुपये दान कर रहे हैं। ये हमारी कलेक्शन बॉक्स, यहाँ से कलेक्शन हो रहा है सारा, ये हम लोग 5 रुपये दान कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई मेरे साथ पता है क्या सीन होगा, मेरा जो ये है ना मच्छर खा गया, और ये मच्छर की वजह से ना इतना एरिया थोड़ा सा फूल गया, देखो ये नॉर्मल है, और ये इधर करोगे तो ये थोड़ा सा समझ गए, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये देखो ये सूज गई। तुम भी सोच रहे क्या करवा रहे हो अली भाई, सुबह से क्या दिखा रहे हो, ये चीज़ ना सूज गई, तो ये ना मेरी आँखों के आगे आ रहा है, ये जो एरिया है ना मेरी आँखों के आगे आ रहा है, और मेरे को ना ये यहाँ से ना सिर्फ दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है मुझे आँखों से ऐसे, समझ रहे हो, तो ये दिक्कत आ रही है मेरे सुबह, कोई ना कोई दिक्कत। और उधर चल रही अपनी शूटिंग देखो, कितनी खुशी आज तक हुई है, मैं कह रहा हूँ इतना खुश हुआ है कभी जिंदगी में, इतना खुश हुआ है कभी जिंदगी में, दो छोरे के बीच में एक जना ही दिख रहा मुझे, और वो भी सबसे क्लोज है भाई, और खुश भी है भाई, ये देखो ना मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही है, मैं कह रहा ये भी खुश है। ओए वैशाली सच्ची बताइयो यार, तुझे 10 में से कितना पसंद है, 100% होगा ना, 5 10 में से 5। काजल तुम्हें कितना पसंद है, 300 है। वाह वाह, मैं कह रहा हूँ फिर वो क्या कहते हैं घर पे बात कर ले, रिश्ते जोड़ने आ रहा, और दोनों से जोड़ना चाह रहा है भाई, समझ गया तुम्हारा मोटिव यही था रिश्ता ढूंढने का। भाई सच्ची बताना चौटाला भाई, तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है, तुम्हें माँ कसम भेज रहा है इसको यार, ये तो भाई रील भेज रहा, लड़का लड़की वाले कहीं वो स्विट्जरलैंड में, अगर इसने फिर कंप्लेंट करती सॉरी वाली रील भेज रहा, संदीप भेज रहा, कमरा बंद करके 1 घंटे में रील ढूंढी सॉरी की, जब भेजती है कमरा बंद करो भाई, भाई ये तो वो है छिकमा आशिक यार, वैशाली भाई प्लीज इसको हाँ भरनी पड़ेगी, अब हाथ मिला लो कितनी जल्दी कर रहा हूँ, तेन कर रहा थैंक यू भैया, मैं तो इसने ये पूछ लिया कि तेरे को ये पसंद करा, नहीं मेरे को तू पसंद है बस, हम नहीं है तुझे पसंद, पर हमें तो नहीं है तू, कर लो मौज लो गाइस, गर्ल्स दे रखी है इनको मंदिर मतलब, अच्छा ये हाँ भाई सही है, खाना खाने की जगह में सही कर रहे हैं, वाला गलती क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या खुआ रहा फिर मुझे भाई, हम भंडारे में जा नहीं पाए, जो हम करते हैं हर सैटरडे 5 रुपए का खाना करते हैं, आज उसमें बने हैं राजमा चावल जो कटारिया से चुरा के ले आए हैं, आ जाओ खिलाता हूँ, खाओगे खाओगे तो क्यों ना खाएंगे, आ जाओ फिर कटोरी में डाल के देता हूँ, मम्मी कटोरी में डाल के देता हूँ, मम्मा इसमें खा लोगे, मम्मा हांडी में टिप्पन में, मम्मा दे दो इसमें खा लूंगी भाई, जल्दी से मैनेज कर लेना, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, अब 2 दिन में आऊंगा, भाई की फ्लाइट है भाई, हमें जा रहे हैं छोड़ के, और ये देखो एक दिखाता हूँ तुम्हें मैं, केक जो कटारे सेठ ने अपने हाथों से बनाया, बहुत अच्छा लगा भाई, पर तुम्हारे लिए इतनी, मैं कह रहा हूँ मेरा मुंह सूज रहा है, देख बता मेरा कौन सी साइड से मुंह सूज रहा, राइट लेफ्ट लेफ्ट, हाथ लगा उस एरिया में, गुल्ला पिटका है यार, किसी ने मेरे गाड़ी रोकी मेरी और भटाई बट दी मेरे अंदर, बहुत तेज मुक्के दिए, क्या सीन है ऐसे, ये बताइए तो मुक्का मारा मेरे पब्लिक, ये तो हो सकता अरे मच्छर लड़ गया यार, और मैंने वो ऐसे करके फोड़ लिया, साला सूज गया वो,
ये कैसा मच्छर है पर यार? मेरा ना ये मच्छर पूछनी पड़ेगी मच्छरों से, पानी पी लूँ, पानी बहुत जरूरी है भाई। जो हमारे भंडारे में राजमा चावल बने, मैं उनको टेस्ट करने वाला हूँ और बताऊंगा कि भाई कैसा है। कभी तुम्हें लग रहा हो कि नुई रोक काट रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। खुद भी खावे और खुद पन्नी में डलवा डलवा के लावे। कभी तुम्हें लग रहा हो कि खुद ना खाते हो, खुद तो बढ़िया खावे और लोगों को खराब खिलाते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये रहा भाई राजमा चावल, अब वही है पन्नी मैट को जाई और बढ़िया बन रहे हैं। सारे यहाँ पे स्टाफ ने भी वही खाया, और जो हमारे फेसबुक का स्टाफ है यहाँ पे उसने भी वही खाया। भाई मेरा तो ये सीन है, जहाँ मेरे को जगह मिल रही है वहाँ सो जाता हूँ यार। देखो ना, देखो भाई सब लोग, मैं उठा सब लोग फक भाई, देखो क्रीम काम तो कर रही है यार। देखो मुंह भी नहीं धोया मैंने अभी ढंग से उठ के, देखो कर रही है ना काम। नजर मत लगा देना, मैं सब लोग शूट पे, और यहाँ पे पता कौन बेचारी अकेली, मैं इधर गया देखने के लिए कौन कौन है। ये देखो बेचारी अकेली बैठी हुई है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दी आपसे, बट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे चल रहा है ना तो फिर ये गेट बंद कर देते हैं। अच्छा। है ना, वो हवा बाहर चली जाती है। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ अब तो बंद ही, सब समझा ही ना वाला यहाँ का। फिर चेक करो गीजर वीजर इन ऑन कर रखा हो यार, सिर में दर्द कर देंगे। तो देखो बंद है, बट लाइट भी जल रही है भाई। ये खड़ी अपनी धन्नो, ये अभी तक ना मैंने ठीक नहीं करवाया, ये ना रबिंग से ठीक होगा शायद, अभी पक्का भी नहीं पता। जो डेंट मार रखे हैं ना, मतलब जो भी मार रखे, निशान मार रखे हैं, बट चलो कोई बात नहीं। रेंज रोवर कल देखी थी, गाड़ी देखेंगे जब सब भाइयों को इकट्ठा टाइम मिलेगा। बाकी अभी हम चल दिए जी फ्री का खाना खाने। जिसको नहीं पता भाई, होटल के अंदर हयात के अंदर एक सीन होता है हैप्पी आवर्स, तो उसमें भाई 6 से 8 ना खाना फ्री होता है और दारू भी फ्री होती है वैसे तो, बट हम दारू पीने वालों में से नहीं है, सिर्फ खाना खाने वालों में से। तो खाना खा लेते हैं, मगर फ्री का खाना तो छोड़ना भी ना चाहिए। मगर निकल लिया मैं तो हयात, मेरे साइड में है सोसाइटी जहाँ पर रहता हूँ, मतलब जो मेरा ऑफिस है उस, अच्छा ये तो बताना ही नहीं था, उससे बहुत दूर है, बहुत दूर है भाई। वहाँ जा रहा हूँ हयात में, और जाके अपना खाना पूना खा के देखें उल्टे आएंगे या फिर एक भाई है और उनसे मिलूँगा मैं, और फिर बताऊंगा आपको आगे की कार्रवाई क्या करनी है। भाई लिफ्ट में पहुंच लिए, 16th फ्लोर है और वो है सुइट है, मतलब कि जो सबसे बड़ा रूम होता है ना वो है, तो उसका टूर भी कराएंगे, देखते हैं। भाई मैं 16th फ्लोर पे हूँ जहाँ से पूल दिखता है, और ये देखो तुम भाई पीछे नई दुनिया बस गई यार। दिस इज न्यू गुड़गांव, मतलब जिसका नाम है ना न्यू गुड़गांव, ये है वो न्यू गुड़गांव जैसा दिखता है, देख लो। और ये देख लो तुम वहाँ सामने सनसेट। भाई यहाँ से अब तुम ना व्यू देखने वाले हो 16th फ्लोर से। आइए भाई साहब, बहुत सही व्यू है, मतलब बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा सही है। कई साइड धूप है, ये देखो इधर कितनी धूप है, और छाया दिखाऊं, छाया भी ये देखो छाया। मस्त नहीं लग रहा? बढ़िया व्यू। इसका टूर अभी मैं दूंगा, और जिसका है ये व्लॉग में नहीं आने चाहते वो तो कोई बात नहीं, बट इसका टूर अभी मैं दूंगा। बट उससे पहले ना अब नज़र फ्री का खाना लेता। टाइम आ चुका है गाइज, और रात का व्यू भी आएगा जहाँ पे अपना स्टे है हयात के अंदर, जहाँ पे अपना स्टे है वो दिखाता हूँ तुम्हें। क्या भाई यहाँ से अपनी एंट्री होती है, ये अपनी एंट्री है, मतलब ये अंदर की साइड का, ठीक है। और फिर घुसते के साथ ही, यहाँ से घुसे घुसते के साथ ही लेफ्ट में आता है भाई गेस्ट वॉशरूम। ये गेस्ट वॉशरूम है, ठीक है, मतलब जहाँ पे गेस्ट आके कटारिया जैसे, कटारिया तो चला गया सूरत, तो वहाँ ये कर सकते हैं जो कुछ करना हो। फोन नहीं पता क्यों दे रखा, जो भी किसी वर्जी से दे ही रखा हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इधर दे रखी है ये अलमारी। अलमारी है क्या पता ना, खुले कैसा है अलमारी ना भाई, कुछ और है यार अलमारी, हो सके पता ना क्या है, जो भी कुछ है भाई लकड़ी का कुछ है, ठीक है ना। इसके बाद भाई आगे चल के ऐसा भी, अभी ये पूरा नहीं हुआ, कभी तुम्हें लग रहा इधर बेड होगा, ये सीन नहीं है। देखो आगे चले, लेफ्ट साइड में शीशा है, उसके बाद ताजमहल आया, उसके बाद भाई राइट साइड एक और शीशा आया, लैंप आया, ये सोफा, ये भाई बैठने का एरिया है, यहाँ पे तुम बैठ सकते हो, मतलब जो भी कोई आए बैठ सकते हो बढ़िया तरीके से। और इधर इस साइड भी एक व्यू है, रात का व्यू, जो भी मैं तुम्हें ढंग से दिखाऊंगा, बाकी इसमें से भी देख लो जितना दिखे, ठीक है ना। ये मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे है, और उसके बाद मतलब ये है, एक सेकंड रुको, ये ऐसे बंद था कि भाई ये बंद है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, और उसके बाद यहाँ से ऐसे खुलता है, आइए जी, और ये आपका बेडरूम। ये बेड हो गया अपना, और ये सामने कुर्सी, ये टीवी, ये उधर बैठने का, ये उधर बैठने का एक और सिस्टम, और सामने व्यू,
अभी वॉशरूम दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना? व्यू देख लो पहले तुम नीचे, पूरी पूरे शहर का क्या बढ़िया लाइट लूट चमक रही है। इसको ना मैं लाइटें बंद करके दिखाऊंगा, यहाँ की लाइटें बंद करके ना और बढ़िया व्यू आना चाहिए। और इधर की साइड हम लोग जाएंगे आगे तो आएगा वॉशरूम, इधर से भी घुस सकते हो उधर से भी घुस सकते हो, और बीच में आएगी जकूजी यहाँ पे, ये सामने की साइड फिर वॉशरूम, उधर की साइड इधर की साइड नहाने का, उधर की साइड फ्रेश होने का, ये जकूजी, और इधर की साइड भाई तैयार होने का सारा सिस्टम बैठ के। और अपने ये पहन के दिखाऊंगा तुम्हें। इधर की साइड भाई एक छतरी, और इधर वापस आते हुए अब मैं सारी लाइटें बंद करने वाला हूँ और फिर भी लास्ट चीज़ें बंद करने के लिए, जिससे पूरा अंधेरा हो जाएगा, ये पूरे कमरे में अंधेरा। और सामने अब तुम्हें मैं व्यू दिखाने वाला हूँ, तुम लोग होने वाले हो पागल। तुम्हें मतलब पागल नहीं, तुम कहोगे भाई अली भाई मज़ा तो आ गया, देखो अब मैं आने वाला है ये रहा। भाई सच्ची बताना कैसा लगा, देखो एक तरीके से पूरा शहर तो नहीं दिख रहा, गुड़गांव काफ़ी बड़ा है, बट बहुत कुछ दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा कि बस देखते रहो यहाँ पे बैठ के। और ये पूरा ग्लास है, खुलने वाला नहीं, अच्छा ना तो कोई भी कूद सके था। 16वीं मंजिल पाक है, पर भाई 16वीं मंजिल तो बहुत रह यार। उधर की साइड देखो क्या बढ़िया लाइट एल चल रही, पर और रात होगी ना, और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, समझ नहीं आ रही, मज़ा आ रहा पर देख के। ये देखो गाइस कैसा लगा ये रूम टूर, तो मेरे को बताना जरूर कमेंट करके। और मेरा जो मतलब मैं घर पे जो रूम बनवा रहा हूँ ना, तुम यकीन नहीं मानोगे, वो ना इससे बड़ा है यार। मतलब जो वॉशरूम दिखा ना काफ़ी बड़ा था, वो अपना वाला उससे भी बड़ा है। और जो रूम साइज़ है, मेरे हिसाब से रूम साइज़ भी मेरा थोड़ा सा बड़ा है। मेरा 46 फुट का रूम है, और ये मुझे पता नहीं कितने का है। उस साइड का एरिया मिलाओ तो शायद मैच हो जाए, बट बेटे जतिन शर्मा के फैन हो रहे हैं, दिखाइयो क्या देख रहा है, एक बार दिखा दे भाई, एक बार दिखाइयो भाई, हमारे खुला शेर की वीडियो देख रहे हैं। जो मैडम यूं कह करती ना कि बेटा बड़ा होकर कुछ नहीं कर पाएगा, अच्छा जिंदगी खराब है तेरी, उस मैडम की छोरी का मैसेज आया आज, पता है क्या बोली? आई एम बिग फैन सर। बेटे इंतकाम डिफरेंट स्टाइल में मैं कह रहा हूँ, ये निकाल ले भाई मेरे। अरे एक तो ही हो गया, एक हो गया भाई साहब, ये क्या कर रहे हो तुम, इसे निकाल के ले जाएगा अपने, ये काम आएगा, बल्ब निकाल रहे हो क्या? उस वाले लैंप पे लग जाएगा जो हमारे घर पे है ना भाई, फिलिप्स का वैसे ही। अबे इसके लिए दूसरा होल्डर चाहिए, घर वाले नहीं होल्डर है, घर तो लगवा लेंगे। अच्छा होल्डर लगवाया बेवकूफ, बल्ब नहीं खरीदेगा भाई, बल्ब ले लेंगे नए से वापस डाल दे। और सुन चसना चाहिए, और यो के प्लेट से निकाल दी तुमने? किसके ऊपर की है? इसके ऊपर की तो ना आयो, अच्छा हाँ इसी के ऊपर की है भाई, इसे जला के दिखा। तो तुमने तार भी निकाल लिया था, जल क्यों नहीं रहा है? मुझे मत देखो सामने, देखो मैं तो हूँ बढ़िया, सामने का देखो ना व्यू। काश हम रह रहे होते हैं, हाँ भाई यार काश इतनी ऊंची बिल्डिंग में हमारा घर होता, पर मजा ना आवे इतने ऊपर रहने में, मुझे तो फोबिया हो गया, मुझे ऐसा लग रहा हाइट फोबिया। हम पे तो पैसा है ना भाई, देखो ये देखो भाई सामने वाली जमीन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली की क्या 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 जो उस तरफ जमीन होगी बढ़िया होगी। हाँ तुम्हारी तो होगी वो, फ्री खाना था और मैंने इनको बुलाया नहीं भाई, मैंने डैड लिया, मैंने पता क्या खाया, अरे ये क्या करते रहते हो भाई तुम, इसे वापस टांग दो और इसे लेके चल, चुरा ली तूने, अब लेके जा चल इसको, हम भी तो देखा है अगर रूम सर्विस और लेके गाड़ी फेर दी भाई, नहीं शीशा निकाल लेंगे और फिर ये वाली चीज लेके जा सकते हैं भाई, जितने का भी रूम है इसमें ये लोग चोरी करने वाले, इसने पेंटिंग उतार ली है, ये देख लो लगानी भी तो तुम्हारे ऊपर धूम फोर बनेगी भाई। भाई मेरी मूछे यार वैक्स वूक्स लगा के ठीक कर दो यार, कर देंगे बेटे भाई, ब्रश व्रश तो होंगे यार, वो तो चोरी कर ले। अबे भाई ब्रश व्रश तो तुम्हें वैसे ही दिला दूंगा यार, अरे क्यों दिलाओगे, फ्री का है।
भाई वॉशरूम में से भी वॉशरूम में भी नहीं छोड़ रहे तुम कुछ चोरी करने का। ओए ले अपने शावर कैप ले 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 लो भाई उधर से आ गया यार वो मुझे लगा इधर शावर कैप तो मैं रोज यूज करता हूं ना रेजर भी ले ले बेटे भाई तुमने आज तक जिंदगी में ये टोपी पहनी है ना भाई मुझे बता दे भाई जब भी जावे ना तभी पहन ओवर होता जब भी होटल में जावे फ्री वाले घर में तो अंदर दोनों पड़े ना नहीं तो मम्मी कहता मैं बिना नहाए आ गया भाई आज पहली बार अपनी मम्मी का जिक्र किया है इसने बहुत अच्छा लगा सुन के आंटी पर ओए सुन 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 ये पैर ले क्या है खुश होगा खुश ये कह हाथ में लगा मारे ओए कोलगेट इसे घर ले जा इसे कोई भाई होना चाहिए घर में यार भाई कोलगेट लिया दो ब्रश और ये क्या तुम्हारी दुकान वो कहाँ है क्या परचून की बेटा जो आ रहा मॉडर्न भाई भाई देखो अभी क्या क्या सिस्टम होने वाला निकले क्या सही अरे यार बंदे निकाल तक नहीं पा रहे भाई भाई इसको तो चुरा लूंगा मैं कितने किलो का तू 75 74.4 पड़ जा भाई मोरटे मारा दे इसको मोरटे मारा जा ये क्या कर रहे हो भाई आप अपना तो नापूं ए चढ़ दो अब मेरे तो बंद हो गई है ओवरवेट ना ना होगी ऑन होगी अर्चित अर्चित का अर्चित तो रेडी हो रहा पहले मैं अपना वेट नापूं मैंने खाना निकाला का बट स्टिल देखते हैं सेम ओ 4 किलो ही भारी होगा साहब 78 किलो का है और मेरे को 85-90 करना मुझे वेट अपना इसके जितना और ओहो ओ बहु रेडी होगी बहु रेडी होगी और इसका इसका नाड़ा वाड़ा बांध दे अच्छा इसमें से निकलता है क्या ये ये ऐसे देखेगी सपने मेरे देखो ये सामने खड़ा होकर फोटो तो खिंचवा लेगा भाई छतरी भी है छतरी ले छतरी ले छतरी ले ले वाह ये तो बहुत बड़ी छतरी है इसमें डूब के मर जाऊंगा भाई इसमें डूब के मर जाऊं और ये मेरा पीएच और है मैं कह रहा हूं इसी में नहान लग जा ये तो बड़ी अच्छी है भाई इसको पहन के चला जा बाहर बात ही खत्म हो जाएगी ओए तू अपना वेट तो ना भाई मेरा तो पार है बढ़िया सब तो भारी तो तू ही है ले मेरा हेल्दी वेट है ना अपना हेल्दी वेट साढ़े भाई सारा फैट है सारा कितना 92 किलो कल 90 था भाई 2 किलो का ही है अच्छा 2 किलो का ही है चलो बढ़िया बहुत अच्छा लगा आपके ऊपर ये बिल्कुल वैसे सूट नहीं कर रहा और क्या चाहिए तुझे अरे मैं ब्रश रह गए छोड़ दे भाई तू बेइज्जती करवावे हयात वाले सोचेंगे साढ़े चोरी करने हैं मैं नीचे खाना खा रहा था ना कुक बेचारी मेरी फैन थी तो उसको पता लग जाएगा कि कितने हरामी है फिर भी आप 2 से 3 नहीं करवा पाए भाई मुझे शर्म आवे यार मैं कोई दिक्कत ना ये देखना ओ चैम सही लग रहा हूँ यार मैं तो सही लगो ये लग रहा यार अर्चित किस दिन ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाए अपनी गर्लफ्रेंड ले किस दिन यहाँ पे और तू और वो ये पहनना गर्लफ्रेंड सही नहीं ना मेरी सैड नॉइसेस हमें पता ओ भाई ये कंट्रोवर्सी मत मैंने कुछ कोई मैंने कोई हमें पता है कि नहीं है क्या ही करा बेचारा मैं किसी को बोलता तो एक आदि अपनी फैन को मेरी एक आदि फैन सुन रही है इससे दूर रहना अगर अपनी भलाई चाहते हो तो है मैं गारंटी नहीं ले सकता जिंदगी सेट हो जाएगी जिंदगी सेट हो जाएगी उसकी मर जाएगी कि दूसरी जिंदगी जीनी पड़ेगी उसे भाई मत आना भाई इससे सेट वो कुछ भी करना अपनी जिंदगी में वर्स्ट से वर्स्ट इससे सेट मत होना बस और बदलाव ये देख बहुत स्लो है भाई भाई तो धीरे है रुको स्पीड 2 पे आ बेटे तेज हो अरे और तेज हो भाई वाह भाई सुनो हैं अब चलते हैं यहां से ना बहुत अर्चित इसकी हेल्प मत करियो ना तो सीधा होगा ना तो हमें खा जाएगा भाई क्या चीज है समझ नहीं आ रही बीटल है बीटल कौन सी बीटल है वॉक्सवैगन की भाई एक तो रात को मेरे को उठा के ले जाते 24/7 और उसके बाद ना खुद ही गाड़ी चलाते पता नहीं क्यों तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज कर देना ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और भाई अगली बार कोई 5-star होटल से कुछ चुरवाना हो ना तो अब मेरे पास बंदे हैं वो आ जाएंगे चोरी करने ठीक है ना।